Hi YouTube family, welcome to my another video. आज की वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो से थोड़ी मुख्तलिफ है, तो आज करने जा रहे हैं हम मेरा फर्स्ट ट्रैवलिंग व्लॉग। और हमारी आज की डेस्टिनेशन है शाहजहां मस्जिद, जो कि कराची से तकरीबन 124 किलोमीटर की दूरी पर वाके है। तो आइए चलते हैं। तो काफी देर सफर करने के बाद आखिर हम पहुंच गए शाहजहां मस्जिद। शाहजहां मस्जिद फन तामीर का एक मालूम फरिद शाहकार। हाँ जी, तो अब हम मस्जिद में दाखिल हो गए हैं। दाखिल होते ही सीधी जाने वजू खाना है। ये मस्जिद ठट्टा में वाकई है और ठट्टा 16वीं और 17वीं सदी में सिंध का दारुल खिलाफा और इस्लामी सकाफत का मरकज रह चुका है। इस मस्जिद को शाहजहां मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मस्जिद 17वीं सदी में शाहजहां ने ठट्टा के रिहायशियों की मेहमान नवाजी से खुश होकर उनको तोहफे में बनवा के दी थी। इस मस्जिद की तामीर पर कुल 9 लाख शाहजहानी रुपए खर्च हुए थे। इस मस्जिद की तामीर 1644 से 1647 में मुकम्मल हुई और इसका मशरकी हिस्सा 1659 में औरंगजेब ने मुकम्मल कराया। मस्जिद में जगह जगह नीले और सफेद रंग के नक्शो निगार वाले बड़े बड़े टाइल नसब हैं। मस्जिद के जो मेन मेंबर हैं उसके चारों कोनों में खास एहतमाम के साथ दिलकश टाइल जड़े हुए हैं। मस्जिद के मेंबर के चारों कोनों में खास एहतमाम के साथ दिलकश टाइल जड़े हुए हैं और नहायत कदीम होने के बाद भी मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा करते हैं और इनका मंजर सितारों से जड़े हुए आसमान सा मालूम होता है। कदीम ज़माने में लाउड स्पीकर ना होने के बायस अजान छत पर जाकर दी जाती थी और ये सीढ़ियाँ छत पर जाने का ही रास्ता है जहाँ से ऊपर जाकर अजान दी जाती थी। फिलहाल इसका दरवाज़ा बंद था तो ऊपर जाने की
इजाजत ना मिल सकी। ये मस्जिद अपने टाइल वर्क के हवाले से पूरे साउथ एशिया में एक मुनफरद मकाम रखती है। मस्जिद में लाल ईंटों से बनाए सुतून और दीवारों को इल्मे हिंसा का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ऐसे मुनफरद अंदाज से डिजाइन किया गया है कि देखकर आंखें दंग रह जाती हैं। इस मस्जिद में हवा के आमदरफ्त का इंतजाम इस तरतीब से रखा गया है कि पूरी मस्जिद की दीवारों में नहायत कुशादा और जालीदार रोशनदान बनाए गए हैं, जिसके बायस हवा की कमी का एहसास नहीं होता और ना ही तंगी महसूस होती है। इस मस्जिद में मीनार एक भी नहीं, लेकिन गुंबद की तादाद तकरीबन 100 है। इस मस्जिद में फारसी अशआर बड़े पैमाने पर ईंटों के नक्शो नगार, जो कि पर्शियन फन तामीर का एक अंसर है, इसके अलावा कुरानी आयात का बेशबहा नमूना है। जिनको मस्जिद की तामीर में नहायत ही खूबसूरती और नफासत से पिरोया गया है। इस मस्जिद में एक वक्त में तकरीबन 20,000 मुसलमान नमाज अदा कर सकते हैं। मिंबर और सहन में इमाम साहब के लिए टाइल से बनाई गई जायनमाज मुगलिया दौर की फन कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है। तामीराती सनत में भले ही जमाना कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, मगर मुगलई दौर की इस खूबसूरत मस्जिद का मुकाबला करने से कासिर है। तो ये था हमारे ठट्टा के सफर का एक पहलू। मजीद पहलुओं से आगाह रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। नासिर, अस्सलामु अलैकुम।